हेलो विद्यार्थी मित्रों, क्रिएटिव टीचिंग यूट्यूब चैनल में फरी एक बार आपनो स्वागत छे। आजे आपणे खूबज इम्पोर्टंट टॉपिक एवो महागुजरात आंदोलनना महत्वना क्वेश्चन जोवाना छे। कारण के महागुजरात आंदोलनमांथी एग्जाममांथी वारंवार 2-3 मार्कना क्वेश्चन आवता होय छे, जेथी करीने आ टॉपिक एग्जाम माटे खूबज इम्पोर्टंट साबित थाय छे। तो चालो आजे आपणे महागुजरात आंदोलनना महत्वना प्रश्नो जोईए। तो आ पहला जो तमे मारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी बेल आइकन क्लिक करी देजो, अने वीडियो ने लाइक करी देजो, अने वधुमां वधु शेर करजो, जेथी करीने तमारा जेवा विद्यार्थीओने फायदो थाय। तो चालो आजनो लेक्चर चालू करीए। तो जोईए तो महागुजरात आंदोलनना प्रखर विरोधी कोण हता। तो महागुजरात आंदोलनना प्रखर विरोधी मोरारजी देसाई हता। तो मोरारजी देसाई उपरांत कया महान अनुभवोए मुंबई विनानुं गुजरात इच्छता नहोता। तो मोरारजी बापू उपरांत कन्हैयालाल मुंशी महान अनुभव मुंबई विनानुं गुजरात इच्छता नहोता। तो इंदुलाल याज्ञिके कोना माटे पोतानी आत्मकथा मां लख्युं छे के महागुजरात आंदोलननी पहेली घड़ी अलग गुजरात राज्यनी स्थापना सुधी तेओ मारा सर्वश्रेष्ठ सलाहकार रह्या। तो इंदुलाल याज्ञिके भाईलाल भाई पटेल विषे पोतानी आत्मकथामां लख्युं छे के महागुजरात आंदोलननी पहेली घड़ीथी अलग गुजरात राज्यनी स्थापना सुधी तेओ मारा सर्वकृष्ठ सलाहकार रह्या। तो महागुजरात आंदोलन मोरारजीभाई देसाईए गुजरातना कया प्रदेशनी भाषा मराठी होवानो दावो करेलो। तो महागुजरात आंदोलनमां मोरारजी देसाईए गुजरातना डांग प्रदेशनी भाषा मराठी होवानो दावो करेलो। तो मोरारजीभाईए डांगनी भाषा मराठी होवानुं जाहेर करता गुजरातनी कई संस्था तेनो विरोध करेलो। तो मोरारजीभाई देसाईए डांगनी भाषा मराठी होवानुं जाहेर करता ज गुजरातनी गुजरात साहित्य भाषानी संस्थाए तेनो विरोध करेलो। तो मोरारजीभाईए डांगनी भाषा मराठी होवानी जाहेरात करता कया महान संगीत ज्ञाते तेनो विरोध करेलो। तो मोरारजीभाईए डांगनी भाषा मराठी होवानुं जाहेर करता ज पंडित ओमकारनाथ ठाकुर संगीतकारे तेनो विरोध करेलो। तो महागुजरात जनता परिषद नामना पक्षनी रचना क्यारे थयेली। तो महागुजरात जनता परिषद नामना पक्षनी रचना सप्टेम्बर 1956 मां थयेली। तो अलग गुजरातनी मांगणी दरमियान अमदावादमां कोणे करेलू के अमदावादनी जनता बुलेटनो जवाब बेलेटथी आपशे। तो अलग गुजरातनी मांगणी दरमियान अमदावादमां इंदुलाल याज्ञिके कह्युं हतुं के अमदावादनी जनता बुलेटनो जवाब बेलेटथी आपशे। तो महागुजरात आंदोलन दरमियान कया दिवसे अमदावादमां लाल दरवाजा पासे कोंग्रेस हाउस पासे 4 युवक शहीद थया हता। तो महागुजरात आंदोलन दरमियान 8 ऑगस्ट 1956 ना दिवसे अमदावादना लाल दरवाजा पासे कोंग्रेस हाउस सामे 4 युवको शहीद थयेला। तो महागुजरात जनता परिषद कया दिवसे शहीद दिवस तरीके मनावायो। तो महागुजरात जनता परिषद मां 8 ऑगस्ट नो दिवस शहीद दिवस तरीके मनावायेलो। तो शहीद स्मारक खसेड़ता थयेली हिंसानी तपास माटे कया पंचनी निमणूक थयेली। तो शहीद स्मारक खसेड़वा थयेली हिंसानी तपास माटे कोटवाल पंचनी निमणूक थयेली। तो शहीद स्मारक बाबते थयेला जेल भरो आंदोलननी आगेवानी कोणे करेली। तो शहीद स्मारक बाबते थयेला जेल भरो आंदोलननी आगेवानी जयंती दलाले करी हती। तो महागुजरात आंदोलनमां कुल केटला दिवस चालेलू। तो महागुजरात आंदोलन कुल 226 दिवस चाल्युं हतुं। तो 8 ऑगस्ट 1956 ना रोज कोंग्रेस हाउस सामे थयेला गोळीबारमां कोण शहीद थयेलू।
तो 8 ऑगस्ट 1956 ना रोज कांग्रेस हाउस पासे थयेला गोळीबार में 4 विद्यार्थियों शहीद थयेला हता अने ते 4 ना नाम छे ते छे सुरेश जयशंकर भट्ट, पूनमचंद अदाणी, कौशिक इंदुलाल व्यास ने अब्दुल पीराभाई। आ 4 युवकों महागुजरात आंदोलन समय शहीद थया हता। तो महागुजरात शब्दनो प्रथम उपयोग कोणे करेलो? तो महागुजरात शब्दनो प्रथम उपयोग कन्हैयालाल मुंशीए करेलो। तो कन्हैयालाल मुंशी कया स्थळे महागुजरात शब्द आपेलो? तो कन्हैयालाल मुंशीए 1937 માં ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ કરાચીમાં યોજાયેલ અધિવેશનમાં મહાગુજરાત શબ્દ અર્થ આપેલો। તો ડાંગને ગુજરાતમાં સમાવવા કોને? આગેવાનીમાં ડાંગ સ્વરાજ્યની ચળવળ શરૂ થયેલી। તો ડાંગને ગુજરાતમાં સમાવવામાં ગેલુભાઈ નાયક અને છોટુલાલ નાયકની આગેવાનીમાં ડાંગ સ્વરાજ ચળવળની શરૂઆત થયેલી। તો મહાગુજરાત આંદોલન દરમિયાન ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકે લખેલી કઈ નવલકથા ખૂબ જ પ્રખ્યાત થયેલી? તો મહાગુજરાત આંદોલન દરમિયાન ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકે લખેલી માયા નવલકથા ખૂબ જ પ્રખ્યાત થયેલી। તો કોંગ્રેસ હાઉસ સામે થયેલા ગોળીબાર બાબતે ઠાકોરભાઈ દેસાઈએ કહેલું કે ગોળીઓ પર કોઈનું નામ સરનામું હોતું નથી। તૂટ પડી બિજલી સપનો પર હુઈ ભાગ્યદાતા આજ આંખ મે આંસુ લેકર બેઠે હે ગુજરાત। મહાગુજરાતના શહીદ માટે આ પંક્તિ કોને લખેલી? તો તૂટી પડી બિજલી સપનો પર હુઈ ભાગ્યદાતા આજ આંખો મે આંસુ લેકર બેઠે હે ગુજરાત। મહાગુજરાતના શહીદો માટે આ કાવ્ય પંક્તિ કવિ પ્રદીપે લખી હતી। તો જન આંદોલન મહાગુજરાત નામનું પુસ્તક કોને લખેલું? તો જન આંદોલન મહાગુજરાત નામનું પુસ્તક હરિહર ખંભોળજાએ લખ્યું હતું। તો મહાગુજરાત આંદોલન દરમિયાન કુલ કેટલી સમાંતર સભાઓ યોજાઈ હતી? તો મહાગુજરાત આંદોલન દરમિયાન કુલ 3 સમાંતર સભાઓ યોજાઈ હતી। તો મહાગુજરાત આંદોલનને કોણે સંસદમાં જમીનના દલાલોની લડત કહેલું? તો મહાગુજરાત આંદોલનને જવાહરલાલ નેહરુએ સંસદમાં જમીનોના દલાલોની લડત કહેલું। તો ઇન્દુ ચાચા ગુજરાત કે નેહરુ આ સૂત્ર કોણે આપ્યું હતું? તો ઇન્દુ ચાચા ગુજરાત કે નેહરુ એવું સૂત્ર રંજીત શાસ્ત્રીએ આપેલું। તો લેકે રહેંગે મહાગુજરાત પુસ્તકના લેખક કોણ હતા? તો લેકે રહેંગે મહાગુજરાત પુસ્તકના લેખક બ્રહ્મકુમાર ભટ્ટ હતા। તો મહાગુજરાતનો જંગ પુસ્તકના લેખક કોણ હતા? તો મહાગુજરાતનો જંગ પુસ્તકના લેખક યશપાલ પરીખ હતા। તો જરૂર પડે હું ઉભો રહીને ગોળીબાર કરાવીશ મહાગુજરાત આંદોલન દરમિયાન આમ કોને કહેલું? તો જરૂર પડે હું ઉભો રહીને ગોળીબાર કરાવીશ મહાગુજરાત આંદોલન દરમિયાન મોરારજીભાઈ દેસાઈએ કહ્યું હતું। તો હું હિન્દુસ્તાનના ભલા માટે ગુજરાતને હોડમાં મૂકવા તૈયાર છું, પરંતુ ગુજરાતના ભલા માટે હિન્દુસ્તાનને હોડમાં મૂકવા તૈયાર નથી, આ વિધાન કોણે કહ્યું હતું? તો હિન્દુસ્તાનના ભલા માટે ગુજરાતને હોડમાં મૂકવા તૈયાર છું, પરંતુ ગુજરાતના ભલા માટે હિન્દુસ્તાનને હોડમાં મૂકવા તૈયાર નથી, આ વિધાન મોરારજી દેસાઈએ કહ્યું હતું। અને તમે આ બધા વિધાનો યાદ રાખજો, કારણ કે એક્ઝામમાં આમાંથી ક્વેશ્ચન બની શકે છે। તો હવે આપણે આગળ વધીએ। તો આગળ જોઈએ તો લોકશાહીમાં લોક આપણી સાથે છે તથા શાહી અને શાહીપણું નહેરુ સાથે છે, મહાગુજરાત આંદોલન દરમિયાન આ વિધાન કોણે આપેલું? તો લોકશાહીમાં લોક આપણી સાથે છે તથા શાહી અને શાહીપણું નહેરુ સાથે છે, મહાગુજરાત આંદોલન દરમિયાન આ વિધાન સનત મહેતાએ આપ્યું હતું। તો મહાગુજરાત આંદોલન દરમિયાન ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકે કયા સ્થળે પદયાત્રા કાઢી હતી?
तो महागुजरात आंदोलन दरमियान इंदुलाल याज्ञिके वडोदरा थी पाटण पदयात्रा काढी हती। तो कया दिवसे अमदावादमां मोरारजी देसाईनी जाहेर सभा ना विरोधमां जनता कर्फ्यू जाहेर करेलो? तो 19 ऑगस्ट 1956 ना दिवसे अमदावादमां मोरारजी देसाईनी जाहेर सभाना विरोधमां जनता कर्फ्यू जाहेर करेलो। तो गुजरात साहित्य परिषद 1952 मां योजायेल नवसारी बैठक मां कोणी महागुजरात माटे प्रस्ताव रजू करेलो? तो गुजरात साहित्य परिषद नी 1952 मां योजायेल नवसारी बैठक मां कृष्णलाल मोहनलाल झवेरी महागुजरात प्रस्ताव रजू करेलो। तो 8 ऑगस्ट 1956 ना रोज थयेल गोळीबारनी तपास करवा कया पंचनी निमणूक करायेली? तो 8 ऑगस्ट 1956 ना रोज थयेल गोळीबारनी तपास करवा माटे नागरिक तपास पंचनी निमणूक करायेली। तो नागरिक तपास पंच द्वारा पोताना रिपोर्ट क्यारे सोंपवामां आवेला? तो नागरिक तपास पंच द्वारा पोताना रिपोर्ट 2 ऑक्टोबर 1956 ना रोज सोंपवामां आवेला। तो शहीद स्मारक नी बाबतनो उल्लेख कई सरकारना समयमां आव्यो हतो? तो शहीद स्मारक नी बाबतनो उल्लेख जितेंद्रभाई देसाई सरकारना समयमां आव्यो हतो। कोणे कहेलू के महागुजरात मारा मर्दा पर परज बनशे? तो मोरारजीभाई देसाईए कहेलू के महागुजरात मारा मर्दा पर ज बनशे। तो 1 नवेम्बर 1956 ना रोज रचायेल द्विभाषी मुंबई राज्य मां केटला जिल्ला हता? तो 1 नवेम्बर 1956 ना रोज रचायेल द्विभाषी मुंबई राज्य मां 43 जिल्लाओ हता। तो महागुजरात आंदोलन दरमियान आंदोलनना समर्थन मां अमदावादना मेयर पदेथी कोणे राजीनामुं आपेलू? तो महागुजरात आंदोलन दरमियान आंदोलनना समर्थनमां अमदावादथी चिनुभाई शेठे मेयर पदेथी राजीनामुं आप्युं हतुं। तो गांधीजीनी वातो करनार गोळीबारने भूली जाय छे, परंतु गुजरातनी प्रजा गोळीबारने भूले तेम नथी। आ विधान महागुजरात आंदोलन दरमियान कोने करेलू? तो गांधीजीनी वातो करनार गोळीबारने भूली जाय छे, परंतु गुजरातनी प्रजा गोळीबारने भूले तेम नथी। आ विधान महागुजरात आंदोलन दरमियान इंदुलाल याज्ञिके आप्युं हतुं। तो महागुजरात विद्यार्थी लड़त समितिना चेरमेन कोण हता? तो महागुजरात विद्यार्थी लड़त समितिना चेरमेन हरिहर खंभोड़जा हता। तो महागुजरात विद्यार्थी लड़त समितिना खजांची तरीके कोण हता? तो महागुजरात विद्यार्थी लड़त समितिना खजांची तरीके रतिलाल खुशालदास शेठ हता। तो 19 ऑगस्ट 1956 ना रोज जनता कर्फ्यू लोकशाहीना सिद्धांतो विरुद्धनुं कृत्य कोणे गणाव्युं हतुं? तो 19 ऑगस्ट 1956 ना रोज जनता कर्फ्यू ने लोकशाहीना सिद्धांतो विरुद्धनुं कृत्य मोरारजीभाई देसाईए गणाव्युं हतुं। तो जवाहरलाल नेहरू अलग गुजरातनी मांगणीनो स्वीकारती सभा क्यां योजी हती? तो जवाहरलाल नेहरूए अलग गुजरातनी मांगणी स्वीकारती सभा फूटबॉल ग्राउंड काकरियामां योजी हती। तो महागुजरात आंदोलन दरमियान नव गुजरात दैनिकना स्थापक तंत्री कोण हता? तो महागुजरात आंदोलन दरमियान नव गुजरात दैनिकना स्थापक मंत्री ब्रह्म कुमार भट्ट हता। तो महागुजरात आंदोलनना कया नेता शोषितोना मशालची तरीके जाणीता हता? तो महागुजरात आंदोलनना सुबोध मेहता नेता शोषितोना मशालची तरीके जाणीता हता। तो महागुजरात आंदोलन कया महिला नेता सौराष्ट्रनी सिंहण तरीके जाणीता हता? तो महागुजरात आंदोलनमां नीरूबेन पटेल महिला नेता सौराष्ट्रना सिंहण तरीके जाणीता हता।
तो महागुजरात आंदोलन दरमियान महागुजरात साप्ताहिक नु मंत्री पद कोणे संभाळ्यु हतु? तो महागुजरात आंदोलन दरमियान महागुजरात साप्ताहिक नु मंत्री पद महेंद्र देसाईए संभाळ्यु हतु। तो महागुजरात जनता परिषद पक्ष नु चूंटणी नु प्रतीक कयु हतु? तो महागुजरात जनता परिषद पक्ष नु चूंटणी नु प्रतीक कुकड़ो हतो। तो आरजी हुकूमत नु मुख्य केंद्र कोणे बनावेलु? तो आरजी हुकूमत नु मुख्य केंद्र राजकोट ने बनावेलु। तो आबू डांग उमरगाम वगैरे प्रदेशो गुजरात मां भेड़वा कोणे पुरावा रजू करेला? तो आबू डांग उमरगाम वगैरे प्रदेशो गुजरात मां भेड़वा माटे नानुभाई देरासरीए पुरावा रजू करेला। तो जूनागढ़ थी प्रेरित थईने कया नाना रजवाड़ाए पण पाकिस्तान साथे विलीन थवानी जाहेरात करेली? तो जूनागढ़ थी प्रेरित थईने माणावदर नाना रजवाड़ाए पण पाकिस्तान साथे विलय थवानी जाहेरात करेली। तो आ साथे ज आजनो लेक्चर पूरो करीए छीए। जो तमने वीडियो गमे होय तो वीडियो ने लाइक करजो, वधुमां वधु शेर करजो, अने जो तमे मारी चेनल पर नवा छो अने आवा ज वीडियो जोवा मांगो छो तो मारी चैनल ने सब्सक्राइब करी बेल आइकन क्लिक करी देजो, जेथी आवनारा आवाज वीडियो नोटिफिकेशन मळती रहे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।